हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बोस एटम मॉडल में उसी के टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ जो है सो एमसीक्यू देख रहे थे। तो इसके पहले वाला वीडियो में जो हम लोग का 1 से 5 तक किए हुए थे उसमें एक क्वेश्चन जो है सो आप लोग के लिए दिया गया था, उसी से आगे हम लोग देखें। हम लोग जब से बेसिकली हम लोग बोस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन पाता है, जहां तक हो उससे क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या उससे रिलेटेड जो हम लोग का रेडिएशन सवाल है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एमसीक्यू से रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन है जो एग्जाम के में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसी को हम लोग उसको देख रहे हैं। और उसमें बेसिकली क्या है, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आते हैं उसी को हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या दिया आपका है, दिया हुआ टोटल एनर्जी दिया हुआ है। टोटल एनर्जी किसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हाइड्रोजन एटम का कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी उसी स्टेट में, जिस स्टेट की बात कर रहा है उस स्टेट में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान देना कि टोटल एनर्जी दिया हुआ है, टोटल एनर्जी दिया हुआ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दिया हुआ है तो उस स्टेट पर उसके काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो अब इसमें ध्यान रखना कि एक तरह से रिलेशन हो जाएगा आपके काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन क्या है। तो ध्यान करना कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह जो है वह माइनस होता है आपका टोटल एनर्जी का, कोई वैल्यू आपका चेंज उसमें नहीं होता है, याद रखना आपको। काइनेटिक एनर्जी जो है और टोटल एनर्जी जो रिलेशन है वो सिर्फ माइनस का, अब लोग फॉर्मूला में बताया था KZe²/2 है, एक में प्लस होता है और एक में माइनस है, दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, माइनस का अंतर है। अगर आपका एनर्जी अगर ए प्लस में दिया दे, इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो अब ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके हिसाब से इसका जो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी जब आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, माइनस, और -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर होगा आपका, प्लस में आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्लियर है, कोई आपको निकालना नहीं। अगर आपके पास उसी स्टेट का पूछ रहा है, नेक्स्ट आप फिर क्वेश्चन और लगाते हैं, लेकिन बोले अगर उसी स्टेट में अगर टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन बोले उसी स्टेट में, तो उस स्टेट में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो मान आएगा वो सिर्फ क्या होगा आपका, सिर्फ माइनस, अगर प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन है +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखिए एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या हो गया, जहां एन का मान 1 हो जाएगा, सबसे नीचे जो स्टेट आपका जो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी, चलिए आप लोग खुद कोशिश कीजिए इसका, देखिए इसका आंसर क्या आता है, क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एनर्जी ग्राउंड स्टेट में अगर एन का मान 1 है तो उसका एनर्जी हाइड्रोजन एटम का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर चलाया जाए मतलब एन का मान 2, ध्यान रखना एन का मान अगर 2 होता है तो उसका एनर्जी कितना होगा, खुद ट्राई कीजिए, चलिए बताइए कि इसका आंसर ऐसा क्या आ रहा है। तो देखिए ट्राई करते हैं, क्वेश्चन आपको याद होगा हम लोग ई एन का फॉर्मूला बताए थे, ई एन का फॉर्मूला क्या आया था, -13.6Z²/N² ये आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये फॉर्मूला किसका हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन एटम की अगर बात कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा आपका जेड का मान 1 ही हो जाएगा। अब आ रहा है कि इसमें जब फर्स्ट एक्साइटेशन में जा रहा है तो मतलब एन का मान क्या हो गया, एन का मान 2 हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में 1 है एक्साइटेशन में 2 हो जाएगा, तो एन का मान 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, -13.6 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 ही रहेगा तो 4 हो जाएगा आपका, तो -13.6/4 हो जाएगा, क्या 4 से 12 कुछ करें आंसर आएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसको अगर डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाए, 13.6 को 4 से करते 4 3 जो 12 16
फोर जाएगा, तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है आंसर मैच के, तो आंसर आपका क्या आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था कि ग्राउंड स्टेट में अगर हाइड्रोजन का एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका एनर्जी जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर आता है मतलब एन का मान अगर 2 हो जाता है तो उसमें उसका एनर्जी जो है सो क्या होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए ब्रो, नेक्स्ट को ऐसे ट्राई कीजिए अपने से। क्या क्वेश्चन आपका, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एनएस ऑर्बिट इज ईएन, ठीक है, तो देन द एनर्जी इन एनएस ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम विल बी, हीलियम एटम की बात कर रहा है। अभी जस्ट फॉर्मूला आपको लिखा है क्या, ईएन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन का यहां पर है, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है आपका हाइड्रोजन एटम और आयोनाइज हीलियम एटम की बात कर रहा है। हाइड्रोजन एटम अगर हाइड्रोजन एटम में था तो उसका वैल्यू कितना था ईएन, इसको यहां पर क्या मान लेते हम लोग डैश मान लेते हैं, तो यहां पर क्या कर रहा है ईएन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका ईएन डैश जो होगा वो किसका होगा ईएन और साथ में क्या होगा आपका एन का, बेसिकली क्या होगा ये आपको हो जाएगा जेड का स्क्वायर, एन से यहां पर मतलब हुआ नहीं, दोनों के लिए एन तो सेम हो जाएगा जिस स्टेट में वो बात कर उस स्टेट में, सिर्फ आपका क्या कर रहा है एटॉमिक नंबर चेंज कर रहा है, शुरुआत में जो आपका है वो किसका था हाइड्रोजन के बारे में बता रहा था, अब वही चीज आपका जो है सो किसका पूछ रहा है आपका सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम के बारे में, तो उस समय आपका जेड का मान क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जेड का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जब जेड का मान 2 हो जाएगा तो ई एन डैश का मान क्या हो जाएगा, ई एन डैश जो होगा वो क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर और साथ में क्या होगा ईएन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका आ जाएगा 4 ईएन है, क्लियर है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूरा एनर्जी स्टेट में या जेड की बात कर रहे हैं एन की बात कर रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन एटम की बात किया जिसका वैल्यू ईएन है, तो उसी स्टेट में अगर हीलियम एटम की अगर बात किया जाए तो उसका मान कितना आएगा, तो क्या जाए आपका 4 ईएन, ऑप्शन है 4 ईएन, तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैच किया था अपना। तो ये बेसिकली क्या है कि कुछ कुछ एमसीक्यू आपको खुद पहले खुद ट्राई कीजिए इसको, तब फिर इसको मैच किया, कैंसर क्या आपका था पहले से राइट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि h by 2 pi has the dimension of, मैं h by 2 pi का जो आएगा डायमेंशन वो इसमें से किसके डायमेंशन के बराबर आएगा, वेलोसिटी मोमेंटम एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है को ट्राई कीजिए इसमें कि किसका ए डायमेंशन किसका, तो ध्यान रखना ए बेसिकली फॉर्मूला जो हम लोग का है किसका कहां से आ रहा है, तो बोर्स एटम मॉडल में अब जब आपका सेकेंड जो थियोरम था वो h by 2 pi था किसके बराबर था, ए बेसिकली जो था आपका वह टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम था, वह फॉर्मूला क्या था एम वी आर और क्या था एन एच बाय 2 पाई, आपको याद होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वह किसके बराबर होता है एन एच बाय 2 पाई बराबर होता है, तो यह बेसिकली हम लोग का किसका हो जाएगा, यह हो जाएगा किसका एंगुलर मोमेंटम, मतलब इसका जो डायमेंशन जो आएगा वो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर आएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है किससे, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट जंप कर रहा है, तो आपको बताना है कि जब फर्स्ट से थर्ड जा रहा है तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा या एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या नन ऑफ दिस, मतलब शायद इसमें एनर्जी कुछ नहीं होगा, चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका, कैंसर आएगा इसमें, एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी रिलीज करेगा एब्जॉर्ब होगा या नहीं, तो ध्यान रखिए जब इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट जाता है तो उसका एनर्जी उसको चाहिए, एनर्जी चाहिए तभी वो जाएगा, फर्स्ट में एनर्जी कम होता है उससे ज्यादा एनर्जी, तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी स्टेट ऊपर की ओर जाता है, तो इस कारण क्या होगा आपका एनर्जी को क्या करेगा एब्सॉर्ब करेगा,
तो फर्स्ट से वह थर्ड में जा रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और अगर थर्ड से अगर फर्स्ट में आना होगा तो एनर्जी क्या होगा उसमें, रिकंडीशन में वो एनर्जी रिलीज करेगा। नॉट का चांस नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है द साइज ऑफ एटम इज पर, एटम का साइज जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बेसिकली साइज ऑफ एटम के साथ कंपेयर। ए आपका यहां पर क्या है, आपका मास नंबर है, मास नंबर है ए के पावर 1/3 है, ए के पावर 2/3 है, और ए के पावर -1/3। तो ध्यान रखिए ये जो फॉर्मूला आपका है, साइज ऑफ एटम जो है वो आपका मास नंबर का क्या होता है, 1/3 होता है। ए जो आपका है एटम न्यूक्लियस में, ध्यान है कि ए जो आपका, ए आपका यहाँ पर क्या है मास नंबर है, वह साइज ऑफ एटम का 1/3 होता है। क्वेश्चन 12 क्या है, द रेशियो बिटवीन बोर्स रेडियस आर, चलिए इसको खुद बता रहे कि बोर्स रेडियस का रेशियो क्या होगा, 1:2:3 का रेशियो के सब चलेगा, 2:4:6 का रेशियो से होगा, 1:4:9 या 1:3, इसलिए क्या होगा, यहाँ जो पूछ रहा है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो रेशियो जो चलेगा वो कौन सा, चलिए बताइए इसमें जरा। क्या क्या आंसर आना चाहिए इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, बेसिकली आप लोग जब पढ़ेंगे रेडियस में, रेडियस में क्या होता है कि आर जो होता है वो एन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, इसका जो रेशियो हमेशा चलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका, 3 का स्क्वायर चलेगा। तो वह उसका रेशियो जो चलेगा वो क्या, 1:3 का रेशियो चलेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो वह उसका जो रेशियो आएगा वह कैसा आएगा, 1:4:9 के रेशियो। तो क्वेश्चन वही से आपका रेडियस सही है, लेकिन यहां पर क्या बोले, उसका रेशियो का जो आएगा वह क्या कंडीशन है, तो 1:2:3 नहीं आएगा, क्योंकि 1:2:3 का बात है जब आपका एन के कंडीशन चलता है, यहाँ पर क्या होता है एन स्क्वायर कंडीशन में, इसलिए उसका जो रेशियो आएगा 1:4:9 के रेशियो। तो क्वेश्चन और देते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन टर्म्स ऑफ आर द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट बेलमर सीरीज, आर के टर्म में, आर आप लोग बताया गया था रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है, इसके टर्म बताना है कि वेव नंबर का वैल्यू जो है वो क्या होगा, किसके लिए, फर्स्ट बेलमर सीरीज के लिए। आपका सीरीज लेंथ से क्वेश्चन है, आर होगा या 3R 5R/36 या 8R/9 होगा, बताना कि बेलमर सीरीज का फर्स्ट, अगर बेलमर सीरीज का उस समय आर के टर्म उसका वेव नंबर क्या होगा, वेवलेंथ नहीं, वेव नंबर के टर्म में आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। सेकंड कह रहे कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज राइज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, कि अगर आपका हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन में जा रहा है, ध्यान रखिए 1 से 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, आपका ग्राउंड स्टेट से कहां जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में अगर जा रहा है, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ध्यान रखना कि ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड में जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। फर्स्ट में कह रहा है कि दोनों इंक्रीज करेगा, यदि दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा, या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी घटेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक घटेगा। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका जो है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन ऑब्टेन फ्रॉम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इमिशन, इमिशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन किससे किस में जंप करेगा, क्वेश्चन ये करना चाह रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का इमिशन होगा वो किस किस कंडीशन में होगा, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, या 6 से 2 में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, या 2 से 6 में आ रहा है, इमिशन का कंडीशन जो है मैक्सिमम इमिशन कब होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन आप लोग तो पढ़ेंगे, तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास है, प्लीज इसको खुद खुद ट्रैक कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। ठीक है, ट्रैक किया आप लोग सर, तो आंसर क्या आएगा, आप लोग बेलमर सीरीज बताया था आपको, लेमन के बाद क्या होता है बेलमर होता है, बेलमर सीरीज का जो फॉर्मूला था वेव नंबर का वो आप लोग पढ़े होंगे, बेसिकली क्या होता है आपका वेव नंबर में म्यू बराबर क्या था, आर 1 बाय
एन वन स्क्वायर माइनस फॉर्मुला, बेसिक फॉर्मुला तो ये आपका है। अब बताइए कि बेलवन सीरीज में लेमन के बाद बेलवन आ रहा था, टू टू से स्टार्ट होगा, तो यहाँ कंडीशन में जब बनाएंगे इसका हम लोग, तो आर यहाँ हो गया, यहाँ क्या होगा टू का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा आपका थ्री का, इसी को सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। फर्स्ट की बात कर रहा है तो यहाँ क्या होगा आर, यहाँ फोर और नाइन 36 हो जाएगा ऐसे, यहाँ फोर है तो नाइन, और यहाँ क्या आपका नाइन है तो फोर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका फाइव आर बाय 36 हो जाएगा। तो आइए अगर वेवलेंथ रहता तो वन बाय लेमडा होता, तो फिर लेमडा का वैल्यू क्या होता, चेंज हो जाता 536। ध्यान रखना कि वेव नंबर की बात कर रहा है, वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा है, वेव नंबर ए होता है, और ये वेवलेंथ रहता तो यहाँ क्या होता वन बाय लेमडा यूज करते थे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो ग्राउंड स्टेट से शायद आप ध्यान दोनों का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक फॉर्मूला ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा को है क्या आपका। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम लोग तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर बाय आर, किस में जा रहा है माइनस में, ठीक है। और यही बात अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फॉर्मूला क्या आता है, के जेड ई स्क्वायर बाय क्या होता है टू आर प्लस में, दोनों चीजें रखना, ए माइनस में होता है और ए प्लस में होता है। अब याद रखिए कि जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जा रहा है आर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, अब क्योंकि ग्राउंड स्टेट से आपका जो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो इस कंडीशन में उसका रेडियस क्या होगा इंक्रीज करेगा, रेडियस बढ़ रहा है। अब जब रेडियस बढ़ रहा है उस कंडीशन में यहां देखिए क्या होगा, ए आर जब आपका बढ़ रहा है तो ए बढ़ रहा है तो कर रहा है तो ए आपका पूरा पार्ट क्या होगा घटेगा, ध्यान रखना है कि आर जब बढ़ रहा है तो नीचे पार्ट में आर बढ़ रहा है मतलब पूरा जो इसका जो पार्ट का आंसर जो आएगा इस पार्ट का आंसर आएगा वो क्या होगा घटेगा, ये जब घटेगा तो माइनस में है, माइनस में घट रहा है मतलब क्या होगा टोटल का वैल्यू क्या होगा बढ़ रहा है, ठीक है। यहां देखिए क्या कंडीशन रहा है, यहां पर आर जब बढ़ेगा तो टोटल का मान क्या होगा घटेगा, आर जब बढ़ रहा है तो टोटल का वैल्यू क्या होगा घटेगा क्योंकि आपका डिवाइड में है इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है, ये जब बढ़ेगा तो टोटल का वैल्यू क्या होगा घटेगा, प्लस में घट रहा है मतलब तो इस कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर भी घटेगा यहां पर घटा लेकिन कंडीशन क्या है माइनस के चलते यह वैल्यू जब माइनस होगा, जैसे अगर माइनस थ्री था और घट के माइनस टू हो गया तो कंडीशन देखा जाए तो ये तो क्या बेसिकली इसका वैल्यू क्या बढ़ा हूं माइनस में घट रहा है मतलब वैल्यू बढ़ रहा है और इसमें घट रहा है मतलब प्लस में तो घट ही रहा है हम लोग का। तो ध्यान रखना कि इसमें रेडियस जब ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटे, यहां पर इस कंडीशन में घटा ले एनर्जी माइनस से क्या वह बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा घटेगा, कौन ऑप्शन देखिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक ऑप्शन आएगा, क्लियर है। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी का इमिशन जब हो रहा है आपका तो इस कंडीशन में हम लोग का जो है आंसर हम लोग का सही क्या होगा, तो ये आपको बताना है कि इमिशन का कैसो कंडीशन जो होता है वो ज्यादा कम इसमें और कम किसमें, ये आपका आपका काम है, ये आप लोग खुद इसको ट्राई कीजिए और ऑप्शन को जो है सो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा,